हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम आफ्टर द ब्रेक. ओके, सो वी विल कंटिन्यू लीवरेजेस ओनली. ओके, एंड आई थिंक आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा. तो नाउ यू रिफर इलस्ट्रेशन 5 एंड पेज नंबर 6.7 जो डीकेसी फॉर्मेट में मैंने आपको दिया है, आईसीआई मॉड्यूल. अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए 9820030925, मैं आपको भेज दूंगा. राइट, 9820030925 30925 9820030925. ओके, विल कंटिन्यू. अब आप आ जाइए. फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% फॉर ए. इसका मतलब पीवी रेशियो बोलो, लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो. अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है, बी किसी स्टूडेंट सेलिंग प्राइस याद है ना, डिवाइड इन टू वेरिएबल प्राइस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. अगर आपका सेलिंग प्राइस हमेशा क्या रहता है 100%, अगर ये आपका वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो ये आपका क्या रहेगा 40. ये किसका है, इन केस ऑफ ए. इन केस ऑफ बी बोलो सेलिंग प्राइस डिवाइड इन टू वेरिएबल प्राइस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. वेरिएबल प्राइस 50 है तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा 50%, और पीवी रेशियो कितना रहेगा 50%, वन ऑफ द सेम ना. हाँ, इंटरेस्ट दे रखा है आपको, ऑपरेटिंग लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज है, टैक्स रेटेड. यू आर रिक्वायर टू फाइंड आउट द ईबीआईटी आपको चाहिए, सेल्स चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए. आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विद द रीजन बेस्ड ऑन लीवरेजेस. ओके, टैक्स तक आपके पास है तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे बोलो, इनकम स्टेटमेंट. ओके, आ जाइए. इट मीन्स स्टेटमेंट इनकम. कौन सा क्वेश्चन चल रहा है आपका, इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 6.7. ठीक है, ये आपका कंपनी ए, ये आपका कंपनी बी. ठीक है, पहला सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, आपका आएगा कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, आपका आएगा इंटरेस्ट टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स. ऑलराइट, ये आपको दे रखा है. ऑल फिगर्स आर इन रुपीस. स्टेटमेंट शोइंग इनकम, कंपनी ए कंपनी बी बोलिए, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स एंड लेस. ठीक है, टैक्स आपको दे रखा है 30%. एक एक पार्ट को आप जरा समझ लीजिए. ठीक है, तो अब आपको दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट 60% एंड 50%. ठीक है, इंटरेस्ट है 20,000 इन केस ऑफ ए, 1 लाख इन केस ऑफ बी. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. उसका कोई फाइनेंशियल लीवरेज से अपन कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि अपने पास फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. इसका मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई
अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, वो अपने पास ना तो ईवीआईटी है ना अपने पास ईबीटी है, बराबर। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि डीएफएल इक्वल टू अपने को आएगा ईबीआईटी राइट डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना अपन। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप आ जाइए, पहला लेते हैं ए का, ए का डीएफएल आपको दे रखा है, डीएफएल दे रखा है 5, ठीक है, नहीं डीएफएल दे रखा है 3, ए का डीएफएल आपको दे रखा है 3, ईबीआईटी अपने को नहीं पता है, ठीक है, ईबीआईटी अपने को नहीं पता है, लेकिन अपने को इंटरेस्ट पता है 20,000, सही है सर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब 3 ईबीआईटी माइनस 60,000 इक्वल टू ईबीआईटी, 2 ईबीआईटी इक्वल टू 60 और ईबीआईटी इक्वल टू 30,000। आपको क्लियर हुआ? बोलो। देखो डीएफएल अपना क्या होता है बताओ, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर टैक्स, और DFL अपना होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT माइनस इंटरेस्ट, कंपनी ए DFL 3 अपने को दे ही रखा है क्वेश्चन में, EBIT इंटरेस्ट अपने को गिवन है, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 60,000 इक्वल टू EBIT, तो 2 EBIT, एक EBIT इधर चला जाएगा 60, EBIT इक्वल टू 30। ये आपको क्लियर हुआ? इक्वेशन सॉल्व करने का आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपका ईबीआईटी 30,000 है, अगर आपका ईबीआईटी 30,000 है, ईबीआईटी 30,000 है, तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स क्या आएगा 10,000, एंड यू कैन वेरीफाई ऑल्सो राइट, एक एक केस में यू कैन वेरीफाई 30,000 EBIT divided by 10,000 EBT and this comes to 3। ये आपका क्या हो गया वेरिफिकेशन, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि आपका क्या हो गया वेरिफिकेशन। सही है सर, 30% टैक्स है, इसका मतलब 3,000 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 7,000, सही है। ये आपका क्या था, कंपनी ए का विद वेरिफिकेशन आपको, ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? कुछ तो लिखा हुआ है आपके पास सॉल्यूशन बुक में, फिर भी आप देख लीजिए, इफ यू आर नॉट गेटिंग इन पर्टिकुलर पॉइंट प्लीज आस्क मी। अब आप आ जाइए कंपनी बी के लिए, अब आप किसके लिए आ जाइए, कंपनी बी के लिए राइट। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आपको दे रखा है, बराबर। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, ईबीआईटी ईबीटी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल ईबीआईटी ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा बोलो, ईयर EBIT, ठीक है।
वापस से डी एफ एल इक्वल टू, ये आपको दे रखा है फाइनेंशियल लिवरेज 2, आपको ईबीआईटी नहीं पता है, आपको ईबीआईटी नहीं पता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पता है रुपीज 1 लाख. इट मीन्स अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ईबीआईटी माइनस 2 लैक्स इक्वल टू ईबीआईटी, राइट? सो ईबीआईटी इक्वल टू 2 लैक्स. सो यस, ये आपको क्लियर हुआ कि ईबीआईटी आपका क्या हो जाएगा? बोलो. देखो ये आपको दे रखा कंपनी बी, कंपनी बी का फाइनेंशियल लिवरेज आपको दे रखा है, फाइनेंशियल लिवरेज होता है ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको दे रखा है 2 ईबीआईटी, 2 लैक ईबीआईटी, ईबीआईटी एंड दिस कम्स टू 2 लैक्स. सही है सर, ऑलराइट. इसको अगर हम लोग ईबीआईटी को 2 लैक्स कर देते हैं, हमारा ईबीटी आएगा 1 लाख रुपीज, टैक्स आएगा 30,000 और ये हमारा आ जाएगा. यहां तक आपको बोलो परफेक्टली क्लियर हो? मैं गोइंग फास्ट, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप फास्ट लिखिए, अगर मैं स्लो जा रहा हूँ तो स्लो लिखिए, अगर आपको लग रहा है ओके तो प्लीज आप ओके लिखिए. ओके, तो पहला अपना आंसर आ गया, दिस विल बी योर आंसर नंबर 1. ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1, ये आपका आंसर नंबर 1 ईबीआईटी उन्होंने पूछा है. दूसरा आपने से पूछ रहा है फ्रेंड्स आगे की इंफॉर्मेशन, अब आप आ जाइए. दूसरा इंफॉर्मेशन कौन सा आपको दे रखा है? दूसरा आपको दे रखा है ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. ये क्या होता है फ्रेंड्स? बोलो. कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी. ईबीआईटी तो है हमारे पास कंपनी ए, कंपनी ए के लिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 5 इक्वल टू ईबीआईटी है 30,000, इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 1,50,000. सही है सर, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 150. कंपनी बी आपको क्या दे रखा है? ऑपरेटिंग एवरेज 2. ऑपरेटिंग एवरेज क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, ईबीआईटी है अपना 2 लैक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 4 लैक्स. बराबर, इसका मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ ए 150 और इन केस ऑफ बी 4 लैक्स, इन केस ऑफ बी 4 लैक्स, इन केस ऑफ ए, इन केस ऑफ ए 1 लैक, 3 लैक 30,000. इट मीन्स आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 120 और आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 2 लैक्स. बोलो, आपका ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 120, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 2 लैक्स. से क्लियर प्रॉपर? अब आगे आ जाइए फ्रेंड्स, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर आपको लगता है फास्ट है स्पीड तो प्लीज आप कमेंट करिए फास्ट, अगर आपको लगता है स्लो तो स्लो, ताकि क्या आगे के वीडियोस में बराबर से ये चीज को देख लेते हैं. अब देखिए
आपको दे रखा है, मैंने क्या बताया था, डीकेसी स्टूडेंट फटाक से करेंगे अभी, सेल्स, सेल्स डिवाइडेड टू वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। पहले कंपनी ए का ले लेते हैं, राइट। कंपनी ए का सेल क्या है, 60% वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब 40% ये है, ये आपका क्या हो जाएगा 100%, 40% आपका आ रहा है 1,50,000, आपको आ गया 1,50,000। इसका मतलब अगर 150 40% है तो इनटू 100 बाई 40 इट मींस 1,50,000 एंड दिस कम्स टू 3,75,000। यू कैन वेरीफाई आल्सो योर आंसर इनटू 375 आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा 2,25,000, राइट। ये 375, ये 225 और ये आपका वेरिफिकेशन है, से यस बराबर। अब आप आ जाइए बी, कंपनी बी, ये आपकी थी कंपनी ए कंपनी, ये आपका हो जाएगा बी कंपनी, सेल्स, सेल्स डिवाइडेड टू वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 50%, कंट्रीब्यूशन कितना है 50%। कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 50% इज रुपीज 4 लाख, इट मीन्स योर सेल्स विल बी 4 लाख इनटू 100/50 एंड दिस कम्स टू 8 लाख। देखिए आपका सेल क्या आ रहा है, रुपीज 8 लाख, 4 लाख आपका होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट, 8 लाख का 50% एंड दिस कम्स टू, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर टू। ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप आईसीआई का मटेरियल डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं इन डीकेसी फॉर्मूला। जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, आप जितना मैक्सिमम आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा और उनका अच्छा रिजल्ट आएगा और आपका भी अच्छा रिजल्ट आएगा। भगवान सबसे पहले मेरा बनाकर उसके बाद बाकी के सब लोगों का बनाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर नंबर टू, सेल्स आपकी निकल के आ गई, बोलो फ्रेंड्स ये हो गया आपका आंसर नंबर, कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके पास और ईबीआईटी आपका आंसर नंबर वन हो गया। अब क्या बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी आपका आ गया, बैलेंसिंग फिगर ये आपका हो गया आंसर नंबर थ्री, फिक्स कॉस्ट आंसर नंबर थ्री। आइडेंटिफाई द कंपनी इज बेटर प्लेस्ड विद रीजन बेस्ड ऑन लीवरेजेस। मैंने आपको क्या बताया था, लीवरेजेस, व्हाट इज लीवरेजेस, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विच डिफाइन रिस्क। ओके, वो क्या डिफाइन करता है, रिस्क को डिफाइन करता है। तो कमेंट पार्ट में आप आ जाइए, आई होप आपके पास मेरा डीकेसी का आईसीआई का मॉड्यूल इन डीकेसी फॉर्मेट आपके पास है, अगर नहीं है तो मैसेज मी 9820030925, दिस इज माई डायरेक्ट नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, डोंट कॉल मी, ओनली व्हाट्सअप एंड राधे राधे आप लिखेंगे तो मैं आपको मैसेज मैं आपको भेज दूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो क्या बोल रहा है, कमेंट बेस्ड ऑन लीवरेजेस, आप देखिए जरा कमेंट पार्ट पेज नंबर 6.8, कमेंट पार्ट आप देखिए पेज नंबर 6.8, कमेंट बेस्ड ऑन लीवरेजेस कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कंपनी बी मीट इंटरेस्ट लायबिलिटीज बेटर देन दैट द कंपनी ए फ्रॉम ईबीआईटी इंटरेस्ट रेशियो। अब देखो आपको मैं बताऊंगा रेशो के टाइम पे हम लोग डिटेल में इस चीज को समझ पाएंगे,
रेशो के टाइम में हम इस चीज को डिटेल में समझ पाएंगे। इसको बोलते हैं डेप्ट कवरेज रेशियो, राइट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेप्ट कवरेज रेशियो मतलब कंपनी ए और बी में किसका फाइनेंशियल पार्ट स्ट्रॉन्ग है। देखो किसका फाइनेंशियल पार्ट स्ट्रॉन्ग है वो आप जरा देख लीजिए। ये बोल रहा है कंपनी ए और कंपनी बी, इसका मतलब इंटरेस्ट आप कहाँ से पे करोगे। जो पैसा आपके पास ईबीआईटी में है, यहाँ पे आपके पास कितना है 30,000 और आपको इंटरेस्ट कितना भरना है 20, इट मीन्स आपका प्रॉफिट है 1.5 टाइम्स। और बी में आपका है 2 लैक्स जबकि आपको इंटरेस्ट भरना है 1 लैक, इसका मतलब आपके पास कितना है 2 टाइम्स। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। रेशियो के टाइम पे डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इतना टफ नहीं है। 1.5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। सो कैपेसिटी ऑफ कंपनी बी टू मीट इंटरेस्ट लायबिलिटीज बेटर देन दैट ऑफ कंपनी ए फ्रॉम ईवीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेशियो, बराबर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका 1.5 टाइम्स ही है और इसका 2 टाइम्स, मीन्स इसके पास जो पैसा है उसमें खाली 1.5 टाइम्स ही इंटरेस्ट दिया जा सकता है और इसमें जो पैसा है उसमें अपन 2 टाइम्स भी इंटरेस्ट दे सकते हैं। कंपनी बी हैज ए लीस्ट फाइनेंशियल रिस्क एज अ टोटल रिस्क बिजनेस एंड फाइनेंशियल ऑफ कंपनी बी इज लोअर। कंबाइंड लीवरेज कंपनी ए इज 15 एंड बी इज 4। हमने कंबाइंड लीवरेज अगर अपन देखेंगे, व्हाट इज द कंबाइंड लीवरेज पहले निकाल लेते हैं अपन। यहां तक आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ये 1 पॉइंट, क्योंकि हमको चाहिए 20,000 रुपए इंटरेस्ट, अपने प्रॉफिट है थीसिस में 1.5 टाइम्स है, यहाँ पे हमको चाहिए 1 लाख आ गए हमारे पास, तो कौन सा कंपनी हो गया? बी बेटर हो गया ना फ्रेंड्स। अब आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है? कंपनी बी हैज ए लीस्ट फाइनेंशियल रिस्क, राइट। कंबाइंड लीवरेज डी सी एल, कंबाइंड लीवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, बराबर। कंपनी ए कंपनी बी, what is the contribution? 1,50,000. What is the contribution? 4 lakhs divided by EBT 10,000, EBT 1 lakh. इसका कितना है? 4 times. और इसका कितना है? 15 times. तो वही बोल रहा है कंपनी बी हैज ए लीस्ट फाइनेंशियल रिस्क एज टोटल रिस्क बिजनेस एंड फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी बी इज लोअर। कंबाइंड लीवरेज ऑफ कंपनी ए इज 15 है और कंपनी बी इज 4। मैंने आपको क्या बताया? ये क्या डिनोट करता है, क्या बताता है? ये बताता है फाइनेंशियल रिस्क। एक बताएगा डीएफएल, आपको बताएगा फाइनेंशियल रिस्क। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपको क्या बताएगा? ऑपरेटिंग रिस्क। और ये आपको क्या बताएगा? कंबाइंड रिस्क। इसलिए तो ये आपके ऑल 5 जो इलस्ट्रेशन थे वो कंप्लीट हो गए। अब ये एक्चुअली आपको करना चाहिए, फिर भी मैं एक चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ। कोई भी चैप्टर सीखने से पहले जो टेस्ट योर नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर करने चाहिए। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेकेंड टाइम आप बिना देखे ये क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करें। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है? अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो प्लीज आप मुझे बताइए। आज अपन ये टॉपिक अपना ट्राई करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है? अब आप आ जाइए टेस्ट योर नॉलेज। हम पूरा मॉड्यूल कर रहे हैं, आपका मॉड्यूल पूरा कर रहे हैं। टेस्ट योर नॉलेज में आपके एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू में आपको कौन बनेगा करोड़पति की तरह, केबीसी की तरह आपके पास ऑप्शन रहेंगे ए बी सी एंड डी, और उनमें से कोई भी एक ऑप्शन सही रहेगा और उसको आपको टिक मारना है। देखिए वन बाई वन देख लीजिए, पेज नंबर 6.10 से स्टार्ट होते हैं अपने एमसीक्यू। 6.10 से वन बाय वन जो डायरेक्टली है उनको डायरेक्टली कर लेंगे, पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इनडायरेक्टली उनको अपन कर लेंगे। तो एमसीक्यू पहला अपन को एमसीक्यू दे रखा है। क्वेश्चन 1 गिवन, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, सेल्स 1 लाख, पीवी रेशियो 40%, द ऑपरेटिंग लीवरेज इज। मैं थोड़ा डिटेल में करा देता हूँ आपको, ये आपको दे रखा है एमसीक्यू 1 पेज नंबर 6.10।
सेल्स, सेल्स आपको दे रखा है 1 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है क्योंकि आपका पीवी रेशो है, इट मींस कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका 40% ऑफ 1 लाख इज 40, तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा, वेल लेस आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 20,000, तो आपका ईवीआईटी आ जाएगा। डायरेक्टली आप आईसीआई मटेरियल ही यूज करिए ताकि क्या आपको दिक्कत नहीं हो, पहले वो अपना मटेरियल कराते हैं फिर अपन देखते हैं शेड्यूल के क्वेश्चंस को नहीं पाते हैं, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, इट मीन्स आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या रहेगा बोलो, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईवीआई, व्हाट योर कॉन्ट्रीब्यूशन 40,000, व्हाट योर ईवीआईटी 20,000 एंड दिस कम्स टू 2 times, इसका मतलब आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही है, कौन सा हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। लेकिन सपोज अगर वो एग्जाम में आपको बोलता है कि डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला, तो फिर आपको डी कैसे किया जाए, फ्रेंड्स लाने की कॉस्टिंग ऐसे नहीं बना फ्रेंड्स। अगर जो मॉड्यूल में लिखा है, जो बाकी के लोग करते हैं, जो मॉड्यूल में लिखा है अगर हम लोग वही बोलेंगे तो फिर हमारी वैल्यू क्या रहेगी फ्रेंड्स, लोग बोलेंगे नहीं नागी कॉस्टिंग का क्या है इसमें, कहीं तो मॉड्यूल में लिखा है वही तो बोलते हैं। अरे वो नहीं बोलते भाई, आप मानेंगे नहीं, सीए फाइनल में मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों ने मेरे को बोला हमको तो वो बच्चे चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी तो अलग है, वो हमसे प्राइवेट ट्यूशन ले सकते हैं करके ना, हमसे लेते हैं वन बाई वन, अपने घर पर बुलाते हैं पढ़ते, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज रहते हैं उनके बच्चों को हम घर पर जाते हैं पढ़ाने के लिए। पर जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके यहाँ फाइनेंशियल नहीं है, जिनका फाइनेंशियल लीवरेज है करके, उनके लिए क्या है, उनके लिए तो हमारे वीडियो लेक्चर्स बेस्ट है ना, उनको देना ही पड़ेगा उनको करके। लेकिन अगर जो लिखा है वो जो मॉड्यूल में लिखा है वही अगर मैंने बोल दिया तो मतलब क्या है, अरे कुछ अलग हटके मैंने क्या बोला कि अगर एग्जामिनर बोलता है तो यहाँ पे औकात नहीं है किसी स्टूडेंट की सॉल्व करके दिखा दे, सब पूछ लेना लाइब्रेरी में और मुझे मैसेज कर देना। ये अपन कब कर पाएंगे, जब अगर आपने कॉस्टिंग बहुत ही अच्छे से किया है, अगर आपने कॉस्टिंग बहुत अच्छे से किया तो ही आप कर पाओगे, कैसे बोलो, ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है, ऑल्टरनेटिव। और आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि नॉलेज ले लीजिए, फाइनल में आओगे तब आपको सब ये आने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एंड जितना हो सके उतना चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़िए आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है यहाँ से इस प्रोसेस से होके गया है, उसको मालूम है सारी चीजें, तो सीए का टीचर है तो वो बेस्ट है आपके लिए करके ना। सेल्स, सेल्स डिवाइडिंग टू बीपी एंड, ठीक है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के दो पार्ट, वेरिएबल प्राइस एंड पीवी रेशो, पीवी रेशो आपको क्या दे रखा है 40%, और बीपी आपका क्या होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, जो लोग फॉर्मूला से करते हैं, और जो लोग डीकेसी फॉलो करते हैं वो तो फॉर्मूला करेंगे, राइट। इट मींस 20,000 फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज 40% इंटू 100, इट मींस 20,000 divided by 1 lakh is 0.5, क्योंकि
50,000 divided by 1 lakh is 0.5, and 0.5 and 0.5 मिलके क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज सेल्स डिवाइडेड बाय एमओएस, आपका सेल्स 1, एमओएस 0.5। इससे पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम आपकी कॉस्टिंग एग्जामिनर आपको 100 में से कितना देगा, 100 तलवार की धार से ना बोलते हो आज। से नाइस फ्रेंड्स को बताओगे ऐसे मॉम की मॉम होती है नानी, ऐसे कॉस्टिंग और एफएम भी ऐड करना, कॉस्टिंग एफएम में होती है सर। इज दिस क्लियर, बताइए आप मुझे। ये आपका था एमसीक्यू 1, ये आपका क्या था एमसीक्यू 1। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, बोलिए इज दिस क्लियर। इससे तो पता चलेगा ना एग्जाम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करेगा, 100 में से 100 दे देगा। सही आंसर, ऑलराइट। चलो आगे एमसीक्यू 2 पेज नंबर 6.11। आईसीएआई मॉड्यूल फॉलो करिए ना, वो प्रोफेसर अपना बताएगा फिर हम अपना करेंगे, मतलब नहीं। If EBIT 50 less, interest 250, corporate tax 40%, degree of financial leverage is, इसका मतलब degree of financial leverage क्या होता है बताओ। EBIT upon EBT बराबर, आपको दे रखा है EBIT is 15 less, EBIT आपको क्या दे रखा है 15 लैक्स लेस आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 250। अर्निंग बिफोर टैक्स आपका होगा 15 माइनस 2.5 12 लैक 50, इक्वल 15 लैक्स डिवाइडेड बाय 12,50,000 will be your financial leverage, and this comes to 1.2, which is your answer number। MCQ आप अपने आप से करिए, हो सकता है आगे के चैप्टर में मैं आपको दू होमवर्क में बैठे। ये आपका DFL क्या होता है, EBIT, EBIT divided by EBT, ये आपका 15 lakhs, ये 12,50,000 आपको भी स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। एमसीक्यू 3 1.24 into 1.99, 2.46, or you can say 2.47, and which is answer 2. Say yes. अब कभी कभी आप पढ़ना भी नहीं आ चार ऑप्शन करके ना, ऐसा नहीं चलेगा ना। एमसीक्यू 4 पेज 6.12 क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज, व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज, इज ए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कौन सा रहेगा आंसर ए। तो यार इसके लिए आप मुझे प्लीज परेशान मत करो, ये आपका एमसीक्यू था 4। एमसीक्यू 5 बोलो, फाइनेंशियल लीवरेज इज ना हो यार अब पकाओ मत यार, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी will be your degree of financial leverage, ठीक है। Which of the following is correct?
Which of the following is correct? MCQ. MCQ 6, page number 6.1. Which of the following is correct? Alright friends, alright, which of the following is correct? Actually इसमें थोड़ा प्रिंटिंग एरर जैसा लग रहा है. कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू ये तो ऑपरेटिंग लीवरेज प्लस फाइनेंशियल लीवरेज तो नहीं होगा, कंबाइंड लीवरेज नहीं होगा, सी हो जाएगा. कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू योर ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज. ओके, अब आप आ जाइए सेवन में. सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स बिजनेस रिस्क. नाउ इट्स वेरी इजी यार. बिजनेस रिस्क कौन सा बताया था आपको, बोलो. फर्स्ट लेक्चर से ही बता रहा हूँ. बिजनेस रिस्क आपका क्या रहेगा? बिजनेस रिस्क आपका रहेगा ऑपरेटिंग लीवरेज, क्योंकि इसमें क्या रहता है? फिक्स्ड कॉस्ट. ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चन से. ये आपके टेस्ट योर नॉलेज भी मैं आपका पूरा कवर करा के दे दूंगा. राइट, एट में क्या बोल रहे हैं? एमसीक्यू एट, पेज नंबर 6.14. एमसीक्यू एट, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज ए फ्रैक्शन ऑफ. पढ़ने की भी जरूरत नहीं. परसेंटेज चेंज इन ईपीसी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स. कंबाइंड क्या था बोलो? तीनों फॉर्मूला बताओ आप मेरे, कौन सा आएगा इसमें बताओ. क्या बोल रहे हैं? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज चाहिए इसको. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, डिग्री ऑफ फाइनेंस एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग क्या रहेगा बोलो? DOL इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. DFL परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज इन EBIT. EBIT EBIT कैंसिल. परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी. आंसर नंबर बी ना, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन दिस योर क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर एट. ठीक है, अब आप आगे आ जाइए एमसीक्यू नाइन. अपना पेज नंबर है 6.14. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कंबाइंड लीवरेज. इट मींस देखो, पहला सेल्स, सेल्स आपको क्या दे रखा है? 20 लैक्स. वेरिएबल कॉस्ट, आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 40%, 8 लैक्स. कॉन्ट्रीब्यूशन 12 लैक्स, लेस फिक्स्ड कॉस्ट 10 लैक्स. देन ईबीआईटी 2 लैक्स, राइट, लेस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 10 लैक्स का 8%, 80,000. एंड this comes to 120 is eight. Alright, अब आपसे पूछा जा रहा है D, calculate the combined DCL. It means contribution, बोलो, formula divided by
ईबीटी कंट्रीब्यूशन कितना है 12 लाख, आपका ईबीटी कितना है, ईबीटी है आपका 2 लाख, मतलब क्या हो जाएगा आपका ईबीटी 2 लाख एंड कंट्रीब्यूशन 1,20,000 So contribution divided by earning before tax and this comes to 10 times. ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए. दे रखा देखो मल्टीपल का ये तो है आंसर, आप वेरीफाई कर सकते हो ना ए. अरे डीएस डीसीएल ना contribution divided by earning before tax. सही है सुनो भाई, आपको दे रखा है ना आपका सेल्स कितना है 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ दिस, कंट्रीब्यूशन ये आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आपका ये अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा अर्निंग एंड टीसीएल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स एंड दिस कम्स टू 10 व्हिच इज आंसर नंबर 3. एमसीक्यू का 10 बोल रहा है आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन 10 एंड पेज नंबर आपको बोल रहा है 6.14. Operating leverage is a function of which the following factors, amount of value, variable contribution, margin ratio. Answer B correct. Operating leverage is a function of which the following factors, variable contribution, margin. Correct. Okay. Then, abhi aap aa jaiye. MCQ 11, page 6.15. Financial leverage may be defined as C रहेगा यूज ऑफ फंड विद द फिक्स्ड कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्निंग पर से. पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, इतना होना चाहिए. हाँ ये तो मार्जिन से. हाँ देखो अब ये मेरा वाला आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसको सिर्फ ओनली डीकेसी के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, गारंटी है. ओपन चैलेंज विदाउट कॉस्टिंग की नॉलेज के यू कैनॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स ओपन चैलेंज ऑफ DKC. आपको कॉस्टिंग का नॉलेज होना ही चाहिए तभी आप ये कर पाएंगे. क्या बताया था मैंने आपको, देखो इफ द MOS इज 0.25 एंड देयर इज 8% इंक्रीज इन आउटपुट एंड EBIT मिलेगा. ओके आप देखो आपका सेल्स कितने से बढ़ रहा है, सेल्स इनटू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज विल गिव यू द EBIT. आपको ईवीआईटी क्या देगा, ईवीआईटी आपको देता है सेल्स, सेल्स सेल्स कितने से बढ़ रहा है 8% से इनटू. अब डीओएल क्या होता है याद है, यस डीकेसी स्टूडेंट फटाक से करेगा, दिस इज बीईटी एंड दिस इज एमओएस, एमओएस इज 0.25, ये कितनी चाहिए पॉइंट. और डीओएल आपका क्या हो जाएगा 1 divided by 0.25 is 4 and this comes to 32. आज तो आपको नाइस लिखना ही पड़ेगा, राधे राधे लिखना ही पड़ेगा. तो दे रखा है सेल्स 8% से बढ़ रहा है, DOL चाहिए तभी आपको EBIT मिलेगा. DOL के लिए क्या किया, सेल्स भी. इसके लिए मैं बोला ना, मैंने बोला था मॉड्यूल में डालिए. आप फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ऐसी बात नहीं, हमारी बात में मानता भी है. जब हम लोग CA कर रहे थे उस जमाने में एक रूल था कि अगर आपके किसी पेपर में 60 मार्क्स हैं तो दूसरे सारे पेपर में आपको 30 मार्क्स होने चाहिए तभी आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं. पुराने जमाने का रूल बोल रहा हूँ. हमने इंस्टीट्यूट को बोला ये क्या बात हुई करके, अगर किसी का एक पेपर में अगर 60% मार्क्स है दूसरे में
तो इंस्टीट्यूट ने फिर चेंज किया कि आपको प्रेजेंट होना जरूरी है, पेपर में अपीयर होना जरूरी है। अगर आपके 0 मार्क्स भी है तो भी आपको 60% पे आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगी। ये जो आपको 15 मिनट मिलते हैं ना एग्जाम से पहले, वो डीकेसी नहीं कर पाया है, नहीं रिक्वेस्ट किया इंस्टीट्यूट कि आप 15 मिनट दीजिएगा। तो लोग फिर मुझे सोशल मीडिया पे बहुत टैग करने लगे, सर स्टार्टिंग के 15 मिनट में मिल पता चल जाता है कि पेपर लिखने का कि नहीं लिखने का। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करवाई है। कभी कभी मजाक मजाक में लोग मेरे को बोलते सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट जीएमसीएस, जीएमसीएस के बारे में आप क्या बोलते हो। हमेशा हंसी मजाक के टोन में उनको होता है, जैसे सपोज कोई मर जाता है ना तो उसकी तैरवी करते तो उससे क्या फायदा होता है, खाली एक आत्मा को शांति मिलती है, होता कुछ भी नहीं।